नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बियॉन्ड स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है क्लास 10 के हिस्ट्री के मैप। और इसमें आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडियन नेशनल हिस्ट्री के कांग्रेस के सेशन। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे अच्छे से इसे तैयारी नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, उस कारण यहाँ नंबर छोड़ के आ जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, फिर आपसे कोई भी नंबर नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन। देखिए, अब थोड़ी सी हिस्ट्री हम जान लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवो ह्यूम ने की थी, और इसकी वर्ष की स्थापना के बाद ही इसे हर वर्ष नवंबर दिसंबर के माह में सभा आयोजित की जाने लगी। और हर बार इसका एक प्रेसिडेंट होता था, और हर बार एक मोटो सेट किया जाता था, इसका हर बार एक मुद्दा सेट किया जाता था। इसके अलावा हर बार इसकी एक लोकेशन सेट की जाती थी कि सभी जो पॉलिटिकल लीडर है वो इस जगह मिलेंगे। तो आपने ध्यान दिया कि हर वर्ष एक सभा होती थी जिसका प्रेसिडेंट चुना जाता था, और हर बार एक अलग से मुद्दा सेट किया जाता था। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, और उसके बाद बिल पास होगा सभी के सहमति से। इसके अलावा हर बार एक अलग लोकेशन होती थी। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि इस बार क्या हुआ था। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1920 में कांग्रेस के दो सेशन हुए थे। अब क्यों हुए थे इसके बारे में जानते हैं। 1919 का समय आप जानते ही हैं, बहुत उथल पुथल का समय था पॉलिटिकली। तो 1919 में रोलैक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड दोनों घटनाओं के बाद कांग्रेस को जल्दी जल्दी ही डिसीजन लेने पड़े थे। इसीलिए उन्होंने एक ही वर्ष में दो अधिवेशन किए, जिसमें सितंबर में एक अधिवेशन किया गया था। देख सकते हैं आप कोलकाता, यहाँ मैप में यह है वेस्ट बंगाल, और इसमें यहाँ पड़ेगा आपका कोलकाता। यहाँ पर सितंबर 1920 में सेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और इन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को पास कर दिया बिल को। तो जल्दी से जल्दी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन उसी वर्ष नागपुर, ये जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पास यहाँ पड़ता है आपका नागपुर में 1920 में फिर से सेशन किया गया, और उस सेशन में भी नॉन कॉरपोरेशन बिल को रिकंटिन्यू किया गया। तो आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो चलिए हम इसके बाद डिस्कस करेंगे मद्रास और लाहौर के बारे में। तो मद्रास से स्टार्ट करते हैं। मद्रास में 1927 में हुआ था। अगर आज के मैप में हम देखें तो मद्रास का एरिया यहाँ पूरा कवर होता है, इतना एरिया पहले था मद्रास, जो अब टूटकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अलग हो चुका है। और आज का मॉडर्न मद्रास देखें तो ये चेन्नई होगा। और यहाँ पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली अंसारी, और इन्होंने इस बिल पर डिस्कस किया कि जो भारत के आर्मी है उनको बाहरी देशों पर माने फॉरेन लैंड्स पर युद्ध के लिए भेजा जाए कि नहीं। तो जैसा कि इंडिया के कुछ ट्रूप्स को चाइना भेजा जा रहा था, तो इन्होंने इसका विरोध किया। और 1927 में सभी कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर इसे पूर्ण सहमति से पास कर दिया कि जो भारतीय आर्मी है उनको विदेशी ग्राउंड्स पर ना भेजा जाए लड़ने के लिए, और चाइना, मेसोपोटामिया और पर्शिया जिन पे वहाँ पर संघर्ष चल रहा था, तो वहाँ पर उनको भेजाने से मना कर दिया। ये था 1927 का मद्रास सेशन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लाहौर सेशन में। लाहौर सेशन 1929, देखिए अगर हम देखा जाए तो ये अभी लाहौर पाकिस्तान में है, जो कि पंजाब के पास पड़ता है आज। लेकिन तब के समय में पूरा पाकिस्तान 1947 के पहले की बात है, तब पाकिस्तान इंडिया का एक भाग था। तो यहाँ पर इसीलिए 1929 का सेशन पाकिस्तान में हुआ, और इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1920 एक बिल पास हुआ कि हमें स्वराज्य नहीं पूर्ण स्वराज्य की मांग करनी चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस बिल को सभी की सहमति से पास किया, और पूर्ण स्वराज्य पर थप्पा लग गया। इसके कुछ दिन बाद ही दिसंबर के बाद जनवरी 26 जनवरी 1930 को यह मान लिया गया कि इसी दिन हमें इंडिपेंडेंस डे मनाना है, और यह भारतीय इतिहास में 26 जनवरी बहुत इम्पोर्टेंट डे साबित हुआ। तो आप समझ गए, ये है लाहौर जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था 1929 में। तो बच्चों, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहेगा। इस वीडियो देखने के धन्यवाद, और बाकी जो मैप के वीडियो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर फाइंड कर सकते हैं।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।